नेटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो मैं एक फूड रिव्यू पे ही लाई हूँ, तो चले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर इनकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है कि इतने उस पर, और इनके जो प्राइसेस हैं वो भी मेंशन है। तो ये देखें, ये भी चॉकलेट केक। ये कौन सा केक है? वाइट जी, फ्री मिल्क केक है। और ये किटकैट केक है। तो ये कौन सा है? ये ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर है और चॉकलेट सालसा, यानी ये मिल्की चॉकलेट। चॉकलेट सालसा, इसमें मिर्ची होती है? सालसा मिर्ची होती है। ये देखें, इसकी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट और लास्ट यूज डेट भी लिखी हुई है। ये कौन सा केक है? ये और यहाँ पर पेस्ट्री का क्या हुआ है जी? 70 रुपीज़ ईच है। और ये जो कप है, तो ये इसके चार्जेस सेम है पेस्ट्री के? तो ये देखिए, ये इनका मेन्यू है, इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं फ्लेवर्स की और पुडिंग भी है। और ये जो इसमें पुडिंग है, इसकी क्या प्राइस है जी? एक पुडिंग आपकी है 1000 रुपीज़। तो बाकी की वैरायटी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, इससे पहले हम यहाँ की पूरी केक की डिटेल ले लेते हैं। अंडिंग फ्लेवर है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हमारे पास फर्स्ट पे आपका, अगर चॉकलेट की रनिंग की बात की जाए तो चॉकलेट माल चॉकलेट मिल्क कहना। इसके बाद आपका रेगुलर में आ जाता है ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर और कॉमन फ्लेवर पायल है। और मतलब कहाँ इसकी जो पाउंड की रेंज है, मतलब जो प्राइस है, वो कहाँ से स्टार्ट है? देखिए, नॉर्मली तो 500 है और रेंज आपके डिज़ाइन के होते हैं कि अराउंड 1500 पर पाउंड तक भी है। 1500 पर पाउंड तक भी, मतलब कस्टमाइज आप आराम से डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी ये डिस्प्ले है, इसमें ज़्यादातर फाउंडेन है, तो फाउंडेन आपका 1200, 1500 अलग अलग चार्जेस। और यहाँ ये इनके डमी केक हैं, ये इसका डेमो है। क्या आप चाहें तो इसकी भी पिक्चर दे के, या अपने पास जो भी हो उसकी भी आप बनवा सकते हैं। ये कौन सा केक है? ये कुल्फा, चॉकलेट चीज़, कॉफी क्रंच, स्ट्रॉबेरी। तो आपके पास केक में तकरीबन कितने फ्लेवर्स हैं? नॉर्मली अगर रेगुलर अगर रनिंग देखें तो अराउंड 20 मैक्सिमम ऑन डिमांड ऑर्डर पे हो जाता है। तो मतलब कस्टमाइज भी हो जाते हैं, चाहे फॉन्डेंट हो या फिर किसी भी तरह का केक। और सबसे ज़्यादा आपकी जो ब्रांच में, मतलब जो डिमांडिंग ब्रांच है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका क्राउड आता है, वो कौन सी ब्रांच है? तो केक आपके यहीं बनते हैं या फिर हेड जस्ट सेल होने के लिए आते हैं? मतलब जैसे अगर कोई आपसे बनवाना चाहे तो कितने दिन पहले, मतलब ऑर्डर? देखिए, नॉर्मली ऑर्डर तो एक दिन पहले हो जाता है,
उसकी कोई इशू नहीं है, यानी आप तो आराम से 24 आवर पहले ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड ये कि अलबत्त आप ऑन डिमांड अपने कोई कस्टमाइज बनवाना चाह रहे हैं प्राइवेट डिज़ाइन, उसके लिए आप कम से कम 2 दिन पहले 3 दिन पहले कॉन्टेक्ट लाजमी करेंगे। अच्छा, ताकि वो आपके हिसाब से। और आपकी ब्रांच कहाँ पर है? हमारी मेन ब्रांच जो है वो गुरु मंदिर पर है, इसके अलावा अजीज़ाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और ये नॉर्थ कराची। तो ये इनके डिमांडिंग फ्लेवर्स हैं और इनके वैराइटीज़ हैं डिफरेंट केक की। ये इनका न्यू ईयर केक है और साथ ही यहाँ पर हार्ट शेप है और इसके बाकी डिफरेंट 3 मिल्क केक है, कैरमल है, कुल्फ़ा है, चॉकलेट सालसा है और कॉफ़ी केक हैं। आप आएँ और विज़िट करें। और यहाँ पर पेस्ट्रीज का क्या हुआ है जी? 70 रुपीज़ ईच है। और ये जो कप है? अच्छा, तो ये इसके चार्जेस सेम है पेस्ट्री के? तो ये कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, आप इस पर कॉल करके डिलीवरी भी करवा सकते हैं और साथ ही अपने मनपसंद केक के आइडियाज़ भी ले सकते हैं। आप यहाँ की लोकेशन बता दें। नॉर्थ कराची। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये इनकी न्यू ब्रांच थी, बाकी की 2 या 3 ब्रांच इनकी जो है वो मेंशन होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी मैं लोकेशन पिन कर दूंगी, साथ ही इनका जो डिलीवरी नंबर है वो मैं मेंशन कर दूंगी। और ये अभी इनकी न्यू ब्रांच ओपन हुई है, ज़रूर जाए, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है केक की और साथ ही साथ आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई उनके पास जो डमी केक रखे होते हैं, अगर आप वो बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जगह के साथ और नए आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।